नमस्कार मित्रों, विषय चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकार, एक राजा के तीन योग्य पुत्र थे, सभी परीक्षा में एक समान नंबर लाते थे। एक से बढ़कर एक साधक थे, एक से बढ़कर एक योद्धा थे, एक से एक बढ़कर राजनीतिज्ञ थे। लेकिन राज्य किसके हाथ में सौंपा जाए, वह तो अनुभव और जीवन जीने की कला पर निर्भर होना था। राजा ने सबसे सलाह दी, जिनमें एक बुद्धिमान किसान की युक्ति राजा को पसंद आई। तीनों राजकुमार को बुलाकर एक एक बोरा गेहूं का दाना दिया। बोला, मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ, कुछ वर्षों में लौटूंगा, मुझे मेरे गेहूं तुमसे वापस चाहिए होगा। पहले राजकुमार ने पिता की अमानत की जोड़नी बंद कर दी, पहरेदार सैनिक लगा दिया। उसके सैनिक बुलाए और बोरी को खाली जमीन में फिकवा दिया और भगवान से प्रार्थना की, है भगवान, जैसे आप प्रत्येक जीव का ख्याल रखते हो, उस बीजों का भी रखना, मैं तुम्हारा पूजा करता हूँ, इसलिए तुम इन बीजों को पौधों बना देना और खाद पानी दे देना, न जमीन लेके खर पतवार हटाए और न ही स्वयं खाद पानी दिया। सब कुछ भगवान पर छोड़ कर साधना में लग गया। तीसरा राजकुमार किसानों को बुलवाया, उन्हें खेती के गुण कर्म समझाए, उचित भूमि का चयन किया, स्वयं किसान मजदूरों के साथ लगकर जमीन तैयार की, गेहूं बोया और नियमित खाद पानी दिया। रोज योजना गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से खेत पर करता। बची हुई रात खेत में चित कर भगवान से प्रार्थना करता, भगवान मेरा खेत की रक्षा करना और पिता के गेहूं में लौटा सको इस योग्य बनाना। फसल अच्छी हुई और गेहूं अन्य किसानों से उत्तम क्वालिटी का निकला। अन्य किसानों ने बीज मांगा तो उन्हें सहर्ष भेंट कर दिए, साथ में बीज में प्राण भरे, इस हेतु साधना और यज्ञ सिखा दिया। सभी किसानों की खेती अच्छी हुई तो आसपास के समस्त गांव में भी खेती का गुण साधन स्वाध्याय के गुण यज्ञ इत्यादि सिखा दिया। खेतों में अनाज के साथ साथ लोगों के हृदय में अध्यात्म की खेती लहला उठी, सर्वत्र राजकुमार की जय हो उठी, जय हो उठी। पांच वर्ष बाद राजा लौटा, बड़े पुत्र को बुलाया और गेहूं मांगा तो तिजोरी खोली गई, धून से गेहूं को क्राक कर दिया था। राजा बोला, उसके जीत संभावनाओं के बीच को मृत कर दिया, वो इस राज्य को भी मृत कर देगा, तुम अयोग्य उत्तराधिकारी साबित हुए। दूसरे को बुलाया, भगवान का पोसने लगा, बोला, गुरु जी झूठे हैं, भगवान पक्षपाते हैं। गुरु जी ने कहा था कि भगवान भक्त की रक्षा करता है, लेकिन भगवान ने मेरे गेहूं के बीजों की रक्षा नहीं की और न ही उन्हें पौधों बनाया। जो प्रकृति का निर्माण है उससे मेरे बीजों के साथ पक्षपात किया। राजा पिता ने कहा, तूने तो जीवन की शिक्षा पाई है नहीं है, केवल पुस्तका का थोड़ा ज्ञान अर्जित किया, कर्म प्रधान सृष्टि का समझाया नहीं, ईश्वर उसकी मदद करता है जो अपने मदद स्वयं करता है। उपासना के साथ साथ साधना और आराधना भी करनी होती है, यह समझ ही नहीं। उपासना रूपी संभावना को साधना आत्मशोधन मिट्टी की परत निराय गुणाय नहीं, तू अयोग्य है, तू मेरा राज्य भी भगवान भरोसे चलाएगा, तूने तो धर्म का मर्म ही नहीं समझा, तू अयोग्य साबित हुआ। तीसरे पुत्र को बुलाया, लेकिन यह क्या, कई सारे ग्रामवासियों बैलगाड़ियों में गेहूं लिए आने चले जा रहे थे। राजकुमार और राजा जी की जय बोलते हुए राजा ने कहा, बेटा मुझे केवल मेरा गेहूं वापस चाहिए, गांव वालों से नहीं,
राजकुमार ने मुस्कुराते हुए पिता को प्रणाम करने कहा, पिताजी आपके द्वारा दिए संभावनाओं के बीच अत्यंत उच्च कोटि के थे, हम सब ने मेहनत करके उसको विस्तारित कर दिया, ये उसकी सारी बोरिया उसी संभावनाओं गेहूँ के बीच से उठी है, यह सब आपकी है। उन्होंने लाखों लोगों की शुद्धा भी शांत की। धन्यवाद पिताजी श्री, आपने मुझे सेवा का सौभाग्य दिया। पिता पुत्र और गौरवती हुआ, हृदय से लगा दिया और अपने राज्य का उत्तराधिकारी शहर से सौंप दिया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव।